प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने चुनाव लड़ने से आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन फाइल किया था, चुनाव लड़ने से यू टर्न ले लिया है, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जब प्रोफेसर रामविलास शर्मा की टिकट पार्टी ने काट दी है तो मुझे लगता है उस लेगेसी पे ही सब जो प्रश्न चिन्ह लग गया कि आगे आने वाले समय में उनको टिकट उनके बेटे को या उनके किसी जो परिवार के लोग हैं उनको टिकट मिल पाएगी, चाहे सार्वजनिक मंचों पे हो चाहे पार्टी के मंचों पे पर हो। भारतीय जनता पार्टी रामविलास शर्मा को दूर करने लगी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो दौर है वो इस समय पूरे जोरों पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं नित्य प्रतिदिन नए समीकरण सामने आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता कुछ लीडर पार्टियां छोड़ रहे हैं तो कुछ लीडर नई पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। अभी एक प्रकरण हुआ जिसपे हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, जो महेंद्रगढ़ से विधायक रहे हैं पहले भारतीय जनता पार्टी के लीडर रामविलास शर्मा जी, उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली। टिकट ना मिलने के कारण वो पार्टी से नाराज हुए, उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया और एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नामांकन भरने के अगले दिन ही उन्होंने यू टर्न लिया और चुनाव ना लड़ने का जो है वो ऐलान कर दिया। और चुनाव ना लड़ने के ऐलान के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो भाजपा प्रत्याशी जो भी है वो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इस सब प्रकरण पे बात करने के लिए हमारे साथ है सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के अच्छे जानकार हैं और हरियाणा की राजनीति पे जिनकी अच्छी पकड़ है, आइए उनसे बात करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मेहरा साहब, अभी जो प्रकरण हुआ महेंद्रगढ़ में, रामविलास शर्मा जी को पार्टी ने टिकट नहीं दी जी, वो नाराज हुए और नाराज होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, अपने समर्थकों को बुलाया, अच्छी खासी भीड़ समर्थकों की उनके साथ चली और उन्होंने नामांकन भर दिया। और नामांकन भरने के बाद बिल्कुल वेरी सेकेंड डे, दूसरे दिन ही वो यू टर्न ले लेते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो बीजेपी के जो भी कैंडिडेट होंगे उसका समर्थन करूंगा। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या उनको पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, उनकी तरफ से मनाया गया है, उनको मनाने की कोशिश की गई है या फिर डराया गया है? क्या कारण रहे हैं उसके? देखिए राजेंद्र जी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं जी, और 1982 से लगातार महेंद्रगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र से उसे चुनाव लड़ते रहे हैं और अपने जो राजनीतिक जीवन, लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है और 5 बार विधायक भारतीय जनता पार्टी जी, बिल्कुल 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 दिग्गज नेता रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं। और कहीं कहीं उनको कल तक ये एहसास हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार उनको टिकट नहीं दे रही, और इसी अंदेशे को देखते हुए उन्होंने जो कल एक एक्सरसाइज कहेंगे अब तो एक्सरसाइज की थी, बिल्कुल अपने जो पार्टी वर्कर हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको अपने आवास पर बुलाया और अपने एक शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया और प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर उन पर दबाव मानेगी और उनको टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कल ही उन्होंने एक समर्थन प्राप्त किया अपने कार्यकर्ताओं का, और समर्थन प्राप्त करने के बाद बहुत ही भारी भीड़ के साथ उन्होंने अपना आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया और चुनाव लड़ने की भी घोषणा की थी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल घोषणा की थी। तो उसके बाद क्या घटनाक्रम होता है, तो कल जो चुनाव लड़ने की घोषणा की थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो जो स्टेट लेवल के जो दिग्गज नेता जिनको कह जी सकते जी 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 हाँ हाँ मेरे सुनने में आया ये जी, राव इंदरजीत जी जो केंद्र में मंत्री हैं बिल्कुल ठीक, और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर जी जो उनके आवास पर आए और उनसे बातचीत की और उनको किस प्रकार से क्या बातचीत हुई वो तो दोनों नेता और जो प्रोफेसर रामविलास शर्मा वही बता सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आज जो खबर आई है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने चुनाव लड़ने से
आदाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन फाइल किया था, चुनाव लड़ने से यू टर्न ले लिया है, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और न केवल चुनाव लड़ने से मना किया बल्कि उन्होंने जो भाजपा के प्रत्याशी पार्टी द्वारा घोषित किए गए हैं कंवर सिंह यादव जी, उनका समर्थन देने का खुले रूप से उन्होंने एक आश्वासन दिया है। तो ये देखने वाली बात है कि अब प्रोफेसर रामविलास शर्मा कंवर सिंह का किस प्रकार से समर्थन करेंगे, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके जो समर्थक रहे हैं वो इस असमंजस की स्थिति में है कि कल तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने उनके सामने एक एक बड़े खुले दिल से ये कहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज यू टर्न ले लिया है। तो ये देखने वाली बात है कि उनके असमंजस में स्थिति उनके जो कार्यकर्ताओं की वो कहां तक जाएगी, क्या अपने कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे और क्या वो तहे दिल से बिल्कुल मन से उनका कंवर सिंह यादव का समर्थन करेंगे। कंवर सिंह यादव की अगर बात करूं, मुझे लगता है कि जो वो एरिया है कोई यादव बहुल एरिया भी है वो कहीं ना कहीं, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यादव का कार्ड खेला है वहां पे और इसलिए कंवर सिंह यादव को वहां पे टिकट दी है। अब बात आपने अभी कही कि वो एक जनाधार उनका बहुत ज्यादा है, समर्थक उनके बहुत ज्यादा है, ये जो समर्थन है ये कहीं ना कहीं जो एक लीडर होता है एक नेता होता है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, उसको बहुत ज्यादा हिम्मत देता है आगे बढ़ने की लड़ने की। इतना समर्थन जो कल भीड़ रही है उनके साथ, उसके बाद क्या लगता है कि वो कंवर सिंह यादव को अभी सपोर्ट करने की उन्होंने बात कही है? अभी आपने भी यही सवाल किया, मैं द्वारा से आप ही को सवाल करता हूं कि क्या वो दिल से भारतीय जनता पार्टी का या कंवर सिंह यादव का सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस सीट पे वो 1982 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पे उनका दबदबा रहा है और उन्होंने एक लंबे अरसे से यहाँ पे काम किया है। तो क्या लगता है कि वो दिल से जुड़ पाएंगे, दिल से दोबारा उनको सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, कोई भी राजनेता जब उनसे उम्मीदवारी छीनी जाती है तो मुझे लगता है उनका दिल बहुत दुखता है और राजनेता के साथ साथ उनकी जो नई पीढ़ी है, उनके बेटे हैं जो चुनाव में अपने उनकी लेगेसी को है ना आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो मौका देने की वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं कोई भी राजनेता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब प्रोफेसर रामविलास शर्मा की टिकट पार्टी ने काट दी है तो मुझे लगता है उस लेगेसी पे ही सब जो प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आगे आने वाले समय में उनको टिकट उनके बेटे को या उनके किसी जो परिवार के लोग हैं उनको टिकट मिल पाएगी शायद। मुझे नहीं लगता कि ऐसा उस लेगेसी को रामविलास शर्मा का परिवार आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक, रामविलास शर्मा बहुत दिग्गज नेता उन्होंने पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, दो बार तो वो जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से जी बिल्कुल 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 ऐसा उन्होंने रह गए हैं। 1999 की बात करें जब हरियाणा विकास पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 1999 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अभिपा से समर्थन वापस लेकर एक नए समीकरण साधने की कोशिश की थी। भारतीय जो प्रोफेसर रामविलास शर्मा उन्होंने लगा था कि कांग्रेस या NLD उनको समर्थन देगी और चीफ मिनिस्टर तक की कुर्सी तक पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बार फिर 2014 में बहुत ज्यादा विधायक जब बने थे और अच्छी और चर्चाएं बहुत ज्यादा थी उस समय की, रामविलास शर्मा जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ जी, तो 2014 की जब हम बात करते हैं तो उनके नेतृत्व में जब पार्टी प्रेसिडेंट थे वो चुनाव लड़ा गया था और बड़े अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, 47 विधायक जीत के आए थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोफेसर रामविलास शर्मा को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उसकी एवज में जो मनोहर लाल जी खट्टर हैं उनको चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ऐसे में कहीं ना कहीं निरंतर चाहे सार्वजनिक मंचों पे हो चाहे पार्टी के मंचों पर हो, भारतीय जनता पार्टी रामविलास शर्मा को दूर करने लगी थी। कई बार ऐसा देखा गया, चाहे लोकसभा का जब चुनाव था चौधरी रणजीत सिंह का जब नामांकन फाइल किया था उनको दूर रखा गया, कोशिश की गई उनको दूर, और भी कई ऐसे मौके आए जब पार्टी ने समाज जो सार्वजनिक मंच है उनसे कहीं ना कहीं उसको किनारा करने की पार्टी ने कोशिश की गई।
और अभी मुझे लगता है यही उनके जो पीछे से एक जो वो चला आ रहा था उनके खिलाफ एक जो एक मुहिम थी या उनको पार्टी से किनारा कर लेने की जो बात जो चल रही थी वो पार्टी नेताओं ने की और पार्टी नेता कामयाब रहे अमिला शर्मा को टिकट न दिलवाने में। लेकिन यहाँ एक बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है मेरा साहब कि एक दिग्गज नेता जिसका एक जनाधार हो, पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि जिताऊ जो उम्मीदवार है उनपे दाव खेला जाए। इस जो उम्मीदवार को रामलीला शर्मा की बात करूं, दिग्गज नेता होने के बाद इनको इग्नोर करना, या जैसा आपने अभी बताया कि वो उनको पार्टी हमेशा दूर कर रही थी, हमेशा पीछे कर रही थी, उसके पीछे के क्या कारण थे? क्या उनका बढ़ता हुआ कद जो है वो कुछ नेताओं को भा नहीं रहा था? ये राजेंद्र जी, हम कल पहले भी बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा बहुत सीनियर लीडरों में हैं और उनसे जो नए लीडर आए हैं या जो जो आजकल स्टेट लीडरशिप में ज्यादा एक्टिव है वो कहीं ना कहीं उनको डर था उनके बढ़ते हुए कद को लेकर, बढ़ते हुए कद को लेकर उनको डर लगने लगा था। तो इसलिए रामविलास शर्मा का को दूर किया जाना ये भी एक कारण रहा है। और इसके पीछे एक जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश कर रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने मैं वहीं आने वाला था आपके पास। हाँ, मैं अभी वहीं आने वाला था कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो जातीय समीकरणों को लेकर चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत एक रुझान दिखा रही है। इस बार जो उन्होंने टिकट की जो बांटे हैं वो भी जातीय समीकरणों को मद्देनजर रख बांटे हैं। तो रामविलास शर्मा जो है ब्राह्मणों के बड़े दिग्गज नेता, मैं बार बार ये शब्द उनके लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उनका कद वाकई राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा कद था उनका या बड़ा कद है, तो ब्राह्मणों के बड़े नेता रहे हैं, तो उनको टिकट ना मिलने से कहीं ना कहीं अंदर से, अब चाहे वो ओपनली कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इन पार्टी को सपोर्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, पर कहीं ना कहीं मन में एक मलाल रहता है, तो मायूसी है उनमें, और कहीं ना कहीं उसके साथ ही ब्राह्मण समुदाय जो है उनमें भी इस चीज को लेके मायूसी है। तो क्या ये जो जातिगत वोट की बात कर रहे हैं इस बार, तो क्या उस सब चीजों को साधने में भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मण समुदाय को साधने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, कल की जो हम बात करें, जो घटनाक्रम कल हुआ था, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था अपने आवास पर, उस शक्ति प्रदर्शन में अपने जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के लोग थे और उनके सामने बहुत आंसू झलकाए थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने और उनकी सिंपैथी लेने की उन्होंने कोशिश की थी। तो और इसी के चलते जो सारे समर्थक थे उन्होंने हाथ उठाकर उनका समर्थन देने की जो घोषणा की थी। तो अब मुझे लगता है इस बात पे संशय है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा इतने जो दिग्गज जो रहे हैं 1982 से जो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, अपनी विरासत को, अपनी जो लेगेसी को छोड़ना उनके लिए मुझे लगता है मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं कंवर सिंह यादव की जो भारतीय जनता पार्टी के अब उम्मीदवार हैं उनको जो अपना समर्थन देने में वो 100 बार सोचेंगे। नहीं, ब्राह्मण समुदाय का कैसा रिएक्शन रह सकता है इस पर? ब्राह्मण समुदाय देखो, लंबे समय से अपने समुदाय की राजनीति की उन्होंने और उनके पास कार्यकर्ता भी हैं और उनका उनके समर्थक हैं अपने समुदाय में। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है अब की बार उनका जो डैमेज कंट्रोल है, उनका जो अल्टरनेट तैयार करने की कोशिश की है, 11-12 जो उम्मीदवार हैं। जी जी जी, हाँ, इस बार पहले से ज्यादा ब्राह्मण समुदाय से लीडरों को 7 उम्मीदवारों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। तो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना विकल्प तो तैयार किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को कहां तक सहायक होगा, कहां तक वो काम दे पाएंगे, वो देखने वाली बात है। आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आज उन्होंने मजबूरीवश या किसी भी कारण से भारतीय जनता पार्टी को यह आश्वासन जरूर दे दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो उनका खुलकर समर्थन करेंगे, लेकिन क्या मायूसी उनमें अभी भी मायूसी बढ़ी? हाँ, क्या वो दिल से भारतीय जनता पार्टी का या कंवर सिंह यादव का जो है समर्थन कर पाएंगे? शायद नहीं।
भारतीय जनता पार्टी को ये सीट बदलनी कितनी महंगी पड़ती है ये बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। खैर, और एक नए विषय पे हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि हमारी बात कहीं कुछ वाजिब है तो आप इसमें कमेंट जरूर करें ताकि हम एक नए मुद्दे पे फिर से चर्चा कर सकें और आपकी बताई बातों को ध्यान दे सकें। अगर हम कहीं गलत हैं आप तब भी प्लीज हमें कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।